वेलकम टू द CBSE इकोनॉमिक्स। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स में डिफरेंस। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने पहले कंजम्पशन गुड्स पढ़ा, कंज्यूमर गुड्स, उसके बाद कैपिटल गुड्स पढ़ा। अब दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने मीनिंग ऑलरेडी समझ ली है तो अब ये वाला टॉपिक आपके लिए ईजी होगा। अब जो इस वाले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको ये वाला टॉपिक कम समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको कंजम्पशन गुड्स वाला टॉपिक और प्रोडक्शन गुड्स वाला टॉपिक दोनों वीडियो पहले देखने पड़ेंगे, फिर आपको यह समझ में आएगा। तो अभी हम फिलहाल बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस है। देखिए, पहला हम कंजम्पशन गुड्स की बात कर लेते हैं। कंजम्पशन गुड्स में इट इज़ यूज मीन्स कंजम्पशन गुड्स इज यूज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब ये डायरेक्टली हमारी आवश्यकताओं को सॉल्व करता है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन कैपिटल गुड्स डायरेक्टली हमारी सेटिस्फैक्शन को सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि इट इज़ यूज बाई द प्रोड्यूसर। सेकेंड, कंज्यूम्ड बाई द हाउस होल्ड्स मीन्स कंजम्पशन गुड्स इज यूज्ड और कंज्यूम्ड बाई द हाउस होल्ड सेक्टर, बट कैपिटल गुड्स इज यूज्ड बाई द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब इसे कोई उत्पादक यूज कर रहा है और आगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज कर रहा है, और ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहा है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तीसरा, थर्ड वन, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। कंजम्पशन गुड्स पर जो पैसा खर्च होगा उसे कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कैपिटल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होगा उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर एक बार, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड फोर्थ वन इज हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन गुड्स। मतलब किसी इकोनॉमी में कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या लेवल ज़्यादा है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वहाँ पे मीन्स जो वेलफेयर का लेवल है वो हाई है। मीन्स कंज्यूमर गुड्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ के लोग ज़्यादा सुखी हैं, संपन्न हैं, और दूसरी चीज़ यह है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर है। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल गुड्स में। किसी भी कंट्री में अगर मीन्स प्रोडक्शन का लेवल हाई है, मीन्स ज़्यादा कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हाई है। और आप जानते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हाई है तो उस कंट्री में जो GDP ग्रोथ है वो बहुत हाई होगा। मतलब कैपिटल गुड्स मोर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि GDP ग्रोथ रेट वहाँ का हाई होगा। तो दोनों में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसा डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह के पॉइंट्स लिख करके इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे टॉपिक आगे काम आने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जहां ना समझ में आए उससे पहले का वीडियो बार बार आप देखिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है तो मैं घर पे बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे 2-3 घंटे, कई बार बहुत समय लग जाता है वीडियो बनने के बाद।
यह सॉफ्टवेयर पे एडिट होता है और एडिट करने के बाद प्रोड्यूस होता है, फिर अपलोड होता है, तो एक बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रात रात तक जागना पड़ता है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 11 बजने वाला है रात का, कल तो मैंने 1:30 बजे रात तक वीडियो बनाए थे। तो ऐसे इस तरह करके बनाना पड़ता है, और दिन में तो बहुत शोरगुल रहता है, बन नहीं पाता। रात को थोड़ा शांति मिलती, सुकून मिलता है, ऑडियो है क्लियर आती है, थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।